हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज मैं दो रेसिपीज लेकर के आई हूँ। एक तो आप देख रहे होंगे ये दही है और दूसरा ये शाही पनीर है। शाही पनीर की रेसिपी मैं आज आपको बहुत ही इजी वे से बताऊंगी, जो कि आप बहुत आसानी से बना सकते हैं। साथ ही में मैं ये दही लेकर के आई हूँ जो कि है फ्रूट्स कर्ड। सो आप मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये दोनों रेसिपीज़ बहुत ही ज़्यादा ईजी है और बहुत ही ज़्यादा सिंपल भी है। तो चलिएगा, पहले मैं आपको दही बताती हूँ। यहाँ पर मैं एक बाउल में अलग सा दही डाल लेती हूँ, जिसका हमने ये फ्रूट कर्ड तैयार करना है। थोड़ा सा मैं दही को फेंट लूँगी, उससे क्या होगा कि दही थोड़ा सही हो जाएगा। और अब मैं इसमें क्रीम डालने जा रही हूँ। ये क्रीम है अमूल की, आप चाहें आप कोई भी, आप घर पे भी फ्रेश क्रीम अगर चाहें तो आप वो बना सकते हैं। मैंने ये मार्केट से ख़रीदी है, फ्रेश है बिल्कुल क्रीम, तो वो मैं इसमें ऐड करूँगी। 2 चम्मच मैंने इसमें ऐड कर दिए, उसको भी मैं इसमें अच्छे से मिला दूँगी। और अब यहाँ पर ये मैंने पीसी हुई चीनी मैंने इसमें मैं ऐड कर रही हूँ। अगर आप घर पे नहीं पीसना चाहते तो मार्केट में भी ईज़ली शुगर पीसी हुई मिल जाती है, तो मैंने 3 चम्मच इसमें ऐड कर दिए। नहीं तो आप अपने हिसाब से चीनी भी इसमें ऐड कर सकते हैं। और अब यहाँ पर मैंने ये सोंचा नमक मैंने ऐड किया, जिसको हम रॉक सॉल्ट बोलते हैं, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है 1/2 चम्मच। इसमें मैंने जीरा पाउडर भी ऐड कर दिया है 1/2 चम्मच। अब अच्छे से मैं इन सबको इसमें मिला दूंगी। और अब मैं इसको साइड पे रख दूंगी। और शाही पनीर बनाने जा रही हूँ, बहुत ही ज़्यादा इजी वे से मैं आज आपको बताऊँगी कि कैसे बनाते हैं। ऑयल मैंने गरम करने के लिए रख दिया था और अब मैंने इसमें जीरा को ऐड कर दिया है। मैंने 1 टीस्पून मैंने इसमें जीरा डाला है। थोड़ा सा मैं जीरा को ब्राउन होने दूंगी। अब इसमें मैंने बारीक कटा हुआ प्याज डाल दिए। प्याज मैंने यहाँ पर 2 लिया था, उसको मैंने बारीक काटा है और वो मैंने इसमें ऐड कर दिया। प्याज को भी हल्का ही मैंने ब्राउन होने के लिए रखना है, तो यहाँ पर प्याज ब्राउन हो जाएगा। यहाँ पर लहसुन और 4 मैंने टमाटर रखे हैं, साथ ही में मैंने यहाँ पर लहसुन रखा है। और अब यहाँ पर आपको मैं बता देती हूँ, ये देखिएगा ब्राउन होना स्टार्ट हो गया हमारा प्याज, देखिए कितने अच्छे से ब्राउन हो गया। और यहाँ पर मैंने ये जीरा पाउडर ऐड कर दिया है, 1 टीस्पून मैंने जीरा पाउडर ऐड किया है। धनिया मैंने पाउडर घर पे तैयार किया था, वो भी मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है 1 टीस्पून। और 1/2 चम्मच मैंने यहाँ पर हल्दी डाली है। आधा चम्मच ही मैंने इसमें हरी लाल मिर्च डाली है, लाल मिर्च आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं। थोड़ा
थोड़ा सा मैंने इसमें पानी को ऐड कर दिया। और टमाटर और लहसुन की मैंने पेस्ट तैयार कर दी थी, उसको मैंने ग्राइंड कर दिया था और वो भी मैं इसमें ऐड कर दूंगी। अब अच्छे से मैं प्याज को और टमाटर की पेस्ट को मैं ऐड करके उसको अच्छे से पहले पकाऊंगी। इसको मैंने सब मीडियम टू फुल फ्लेम में रखा है, लो फ्लेम में ना रखें, आप इसको मीडियम फ्लेम में ही रख सकते हैं। ये पनीर की सब्ज़ी जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, ये शाही पनीर बताया मैंने आपको यहाँ पर, बहुत ज़्यादा इजी भी है, ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी भी रहती है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी ये पनीर की सब्ज़ी बनाई जाती है। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आप इसको बना सकते हैं, बट ये मैंने बहुत ही आपको ईजी तरीके से मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ पर मैंने पनीर भी रखा है, तो पनीर को मैं बाद में इसको बिल्कुल मैं एंड में इसको मैं पनीर को मैं ऐड करूँगी। और यहाँ पर ये देखिएगा, ये अब हमारी ग्रेवी कितने अच्छे से हमारे तैयार होना शुरू हो चुकी है। आप देख ही रहे होंगे ऑयल भी अलग हो गया। और अब मैं इसमें डालूँगी क्रीम, वही फ्रेश क्रीम जो मैं आपको बताई थी। आप चाहें, मैंने आपको जैसे पहले भी बोला कि आप घर पे भी क्रीम तैयार कर सकते हैं, मलाई डाल सकते हैं, बट फ्रेश क्रीम मैंने इसमें ऐड कर दी है। ये मैंने आपको बहुत ही इजी वे से मैंने आपको पनीर की सब्ज़ी बताई है। और यहाँ पर ही देखिएगा, ये अब हमारी ग्रेवी ऑलमोस्ट तैयार हो चुकी है। और यहाँ पर ये जो मैंने डाला है, ये मैंने और इसमें ऐड जो किया है, ये हमने घर पे ही रोज़ की जो पेटल्स होते हैं, पंखड़ियाँ जो रोज़ की होती है, उसको हमने सुखा करके, तो मैंने उसको ग्राइंड किया था, ये उसका पाउडर है। ये कंपल्सरी नहीं है, ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो आपके पास अगर है तो आप डाल सकते हैं, नहीं भी हैं तो आप नहीं डालिए, ये एक टेस्ट के हिसाब से मैंने डाला है। और यहाँ और अब मैं ग्रेवी को थोड़ी देर के लिए मैं इसको पकने दूंगी, जो भी मैंने इसमें इंग्रेडिएंट्स डाले हैं। आप देख सकते हैं कि ग्रेवी कितनी ज़्यादा हमारी अच्छी बन चुकी है, ये देख सकते हैं आप। थोड़ा सा मैंने पानी को इसमें ऐड कर दिया, क्योंकि मुझे थोड़ी सी इसको मुझे ज़्यादा थिक नहीं करनी है, मुझे थोड़ा सा इसको नॉर्मल ही इसकी मुझे ग्रेवी रखनी है, तो इसलिए मैंने इसमें थोड़ा सा पानी को मैंने ऐड कर दिया। थोड़ी देर मैंने इसको ढक दिया, तो अब मैंने जो लिड थी उसको मैंने उठा कर किया, मैं ये चेक कर रही हूँ, देखिए कितने अच्छे से अब हमारी ये ग्रेवी तैयार होने जा रही है। तो अब मैं इसमें डालूंगी केचप, टमाटो सॉस जिसे हम कहते हैं, इसकी चिल्ली सॉस नहीं है, ये नॉर्मल जो टमाटो केचप है वही मैंने इसमें डाली है। और साथ ही में मैं अब इसमें पनीर डालूंगी, पनीर को मैंने फ्राई नहीं किया है, इसको मैं बिना फ्राई किए हुए ही मैं पनीर को डाल रही हूँ, लेकिन आप ध्यान रखिएगा ज़्यादा देर पनीर को आप नहीं भूनेंगे, उससे क्या होगा कि पनीर जो है वो फिर टूटने का डर रहता है, तो मैंने ज़्यादा पनीर को इसको हिलाना है। तो अब मैं इसमें एंड में मैं जो इसमें डालने जा रही हूँ वो है कस्तूरी मेथी। कस्तूरी मेथी का टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे, तो उसकी खुशबू भी बहुत ज़्यादा लगती है मुझे अच्छी, इसलिए मैंने इसमें एक चम्मच मैंने इसमें कस्तूरी मेथी डाली है। अब मैं अच्छे से कस्तूरी मेथी को इस पूरे पनीर में मैं अच्छे से मिला दूँगी। और चलिए अब हमारा यहाँ पर पनीर भी आप देख सकते हैं कितने अच्छे से हमारा पनीर तैयार हो चुका है। और अब मैं इसको लिड से ढक दूंगी और थोड़ी देर के लिए मैं इसको 20 से 30 सेकंड्स के लिए मैं इसको थोड़ी देर के लिए गैस पे ही रहने दूंगी। अब मैंने लिड यहाँ पर उठा दी है और यहाँ पर ही देखिएगा अब हमारा पनीर बहुत अच्छे से तैयार हो चुका है। ग्रेवी भी देखिए कितने अच्छे से तैयार हो चुकी है और पनीर भी आप देख सकते हैं।
और अब ये बंद करके मैं साइड पे रख दूँगी। यहाँ पर अब मैं अब आपको दही बता रही हूँ कि कैसे बनाना है। यहाँ पर मैंने कुछ फ्रूट्स काट के रखे थे, वो मैं इसमें ऐड करूँगी। जैसे मैंने यहाँ पर ये सेब को ऐड कर दिया है, 1 सेब मैंने और एप्पल मैंने काटा था नॉर्मल स्लाइस से, और साथ ही में मैंने इसमें अनार भी मैंने डाल के रख दिया। कोई भी इसमें फ्रूट डाल सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से। मुझे सेब और अनार बहुत ज़्यादा पसंद है और बहुत ज़्यादा हेल्दी भी होता है सेब और अनार, तो वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया। यहाँ पर ये मैंने थोड़ा सा मैंने इसमें ड्राई फ्रूट ऐड कर दिया, अपने हिसाब से आप ड्राई फ्रूट ऐड करें। मैंने इसमें बादाम काजू इसमें मैंने डाल करके छोटे छोटे मैंने इसके पीस कर दिए थे, स्लाइस करके मैंने इसको इसमें ऐड कर दिया। मैं अच्छे से इन सबको मैं मिला दूँगी। और यहाँ पर ये देखिएगा, ये अब हमारा फ्रूट वाला दही भी तैयार हो चुका है, फ्रूट कर्ड आप इसको बोल सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा ये हेल्दी है और बच्चे बड़े सब बहुत ही इजी वे से इसको खाएंगे, बहुत आसानी से इसको खाएंगे, क्योंकि इसमें हर चीज़ हम अपने हिसाब से हम फ्रूट इसमें डाल सकते हैं। और क्रीम भी आप ज़रूर डालें, उससे भी अलग सा ही टेस्ट आएगा। तो चलिएगा, यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ, ये देखिएगा ये अब हमारा दही भी तैयार हो चुका है। आप इसको ज़रूर बनाइएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और साथ ही में मैं आपको यहाँ पर बताने जा रही हूँ, ये देखिएगा ये अब हमारी पनीर भी तैयार हो चुका है, शाही पनीर। ये मैंने ऊपर गार्निश मैंने पनीर को ही मैंने थोड़ा सा कद्दूकस करके मैंने उसको थोड़ा छूर करके मैंने पनीर को ऊपर से गार्निश किया है। आप अपने हिसाब से करिए अगर करना चाहते, नहीं तो आपकी मर्ज़ी है, आप नहीं भी चाहें तो आप नहीं कर सकते, बट उससे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था तो इसलिए मैंने इसमें पनीर थोड़ा सा गार्निश करके मैंने ऊपर इसको तैयार कर दिया। तो ये रही मेरी पनीर की सब्ज़ी और साथ ही में मेरा दही। और ये देखिएगा ये अब हमारा दही भी तैयार हो चुका है, और साथ ही में ही ये देखिएगा पनीर। आप चाहें आप इसको रोटी पराठा या फिर आप चावल के साथ आप इसको खा सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्ट आएगा आपको इसको बना करके। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ज़रूर बनाइएगा। मेरी पुरानी वीडियोस को भी ज़रूर देखिएगा, उसमें मैंने बहुत सारे प्रोडक्ट रिव्यूज़ डाले हैं, मैंने बहुत सारे ब्लॉग्स डाले हैं उनको भी। और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दीजिए। उससे क्या होगा, मेरी कोई भी वीडियो जो मैं अपलोड करूँगी वो आप तक नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आ जाएगा। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। Thank you for watching. Have a great day. Bye.